माँ माँ अरे ये क्या कर दिया? ओवरटेक करने के चक्कर में मेरी गाड़ी को ठोक दिया। बड़ी गाड़ी वाला है तो समझता कुछ भी कर लेगा। रुक जा रुक जा रुक तू रुक जा रुक जा माँ छोड़ ना छोड़, छोड़, कुछ नहीं हुआ है माँ छोड़ छोड़ माँ रुको माँ माँ प्लीज 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 जाने दो ना। देखो थोड़ा सा ही लगा है, कोई बात नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। क्यों खामखा तुम? खामखा गलती की है इसने, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा इसको। गाड़ी नहीं कंट्रोल होती तुमसे। सॉरी सर, मुझे लगा काफी जगह है, गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है जाओ, देखो क्या सिचुएशन है, जितना भी पैसा चाहिए उनको दे दो, बहुत जल्दी में हम लोग। जाओ, अपने आप को समझता क्या है? मां मां प्लीज मां सुनो ना। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, लेकिन जो भी आपका नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा। ये पैसे का रोप किस पर झाड़ रहा है? जानता है तो किससे बात कर रहा है? हाँ माँ, हाँ बस ऑन द वे हैं, पहुंच ही रहे हैं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, उसे निपटा कर आ रहे हैं। जी माँ रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है गाड़ी को, थोड़े से स्क्रैचेस ही तो लगे हैं। हाँ वही तो, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तू कौन होता है तय करने वाला कि नुकसान ज्यादा हुआ है या कम? ये तय मैं करूंगी। माँ वो माफी मांग तो रहे हैं। अरे माफी मांग रहा है तो कौन सा बड़ा एहसान कर रहा है? ये जानता नहीं कि किससे उलझ रहा है? वो अभी अभी मुंबई में जो मिस मेराइजिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था ना, उसमें मेरी बेटी 20वीं आई है, आयशा शर्मा, उसी की माँ हूँ मैं। विक्रम प्लीज यार, तू जाके हैंडल कर यार, बहुत देरी हो रही है, प्लीज। और ये बिंदास मेरी गाड़ी छोक के जा रहा था। माँ जाने दो ना प्लीज। तू चुप कर, बड़ी गाड़ी वाला है, इससे तो आज मैं बड़ा हर्जाना वसूल करूंगी। एक मिनट, देखिए मैम, मैं खुद आपसे सॉरी बोलने आया हूँ। आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है, हम हर्जाना देने को तैयार हैं। हर्जाना चाहिए ही नहीं मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि चार पैसे फेंकोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? देखिए आप फालतू में बात को बढ़ा रही है मैम, एक्चुअली में हमें कहीं बहुत जरूरी पहुँचना है। जरूरी काम? तुम बड़ी गाड़ी वालों का जरूरी काम और हम लोगों का कुछ भी नहीं? हा? ये लोग जानते ही नहीं कि किससे बात कर रहे हैं। मैं टॉप की डिजाइनर हूँ, शिप्रा क्रिएशंस की मालकिन। अरे बड़े लोगों की शादी तो बिना मुहूर्त के ही हो जाती है, लड़के की लड़की के बगैर और लड़की की लड़के के बगैर। मैं जिस शादी में जा रही हूँ ना, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो मेरे कपड़ों के बगैर उन लोगों की शादी नहीं होगी, और अगर उनकी शादी नहीं होगी तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और इन लोगों को अपने कच्चे काम की पड़ी हुई है। विक्रम क्या हो रहा है यार? अरे यार अजीब औरत, कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है यार, क्या बात करूं? मैं बात करता हूं। हेलो। हाँ प्रिया बोल। हेलो पापा, आप प्लीज एक बार माँ से बात कर लोगे? क्या हुआ? अरे एक गाड़ी से हमारी गाड़ी को थोड़ी सी ठोकर लग गई, बस इस बात को लेकर माँ ने यहाँ रास्ता रोको कर दिया है, जोर जोर से चिल्ला रही हैं। अच्छा एक बात बता, वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं क्या? हाँ पापा बहुत सारे। फिर तो हो चुका कल्याण, अगर तेरी माँ अकेली होती ना तो पैसे वैसे लेके मामला रफा दफा कर देती। अब जब तक वो अपना बायोडेटा सब लोगों को सुना नहीं देगी ना, पीछे नहीं हटने वाली है। मैम मेरी बात सुनिए, आज मेरे पिताजी की बरसी है। तो इसका ये मतलब कि रास्ते के दो चार लोगों को उनके पास पहुंचा दोगे? तुम्हारे ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आती जो मेरी गाड़ी को ठोक दिया? मैं मानता हूँ कि गलती उसी की है, लेकिन देखिए पिछले 15 सालों से कभी भी मैंने मेरे पिताजी की बरसी को मिस नहीं किया। ये आपके लिए शायद बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कमिटमेंट है। प्लीज मान जाइए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप जो भी पैसा मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं।
ठीक है तो मैं अपने हस्बैंड से कंसल्ट करती हूँ। लेकिन पापा जी पंडित जी। राम बेटा तिथि बीत गई है, वक्त गुजरता जा रहा था तो हमने पूजा कर ली। अब चलें घर प्लीज। अरे अभी कहाँ चलें? अभी तो बहती गंगा में हाथ धोने का वक्त आया है। हाँ इसके पापा की बरसी वर्सी है तो कुछ तो फायदा उठाएं, 2 लाख ले लेती हूँ। माँ तुम्हें हो क्या गया? इस तरह किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पंद्रह साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिताजी की बरसी में मैं था ही नहीं। अभी ये तू सही गलत की बात छोड़ दे। हाँ अरे बहुत बड़ी आसामी है, 2 लाख ले लूं उससे? क्या हो गया तुम्हें? अच्छा देखिए वैसे तो मैं पैसे वैसे लेने वाली नहीं थी। हाँ लेकिन अब तुम्हारे पिताजी की बरसी है तो तुम पर रहम खा रही हूँ, 2 लाख दे देना। हाँ मिलना दूर की बात, 2 पल का जेल नहीं मिलने वाला अब आपको। I make your life a living hell, I promise you that. अब घर चले प्लीज। अरे रोकना उसे, देखना गाड़ी का नुकसान कर दिया उसने। लेकिन माँ गलती हमारी है। अब माँ प्लीज, वो बात को सुलझाना चाहते थे, आपने बात को और उलझा दिया। अब तो ये बकबक बंद कर, नंबर लिखा उसकी गाड़ी का? गाड़ी का नंबर याद है? हाँ सर। इन लोगों ने मेरे सबसे कीमती 2 घंटे बर्बाद किए, अब मैं इनके हर दिन के 2 घंटे बर्बाद करूंगा। ये लोग अपनी सारी जिंदगी मुझे भूल नहीं पाएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। बेचारा अपने पापा की बरसी में जा रहा था, तुम्हारी वजह से उसकी तिथि चूक गई। अच्छा इंसान होगा तो हमारी गलती समझ के माफ कर देगा, और निकला ना कोई सरफिरा तो आज का दिन हमें कभी जिंदगी भर भूलने नहीं देगा। पूड़ियाँ तली जा रही है माँ। हाँ हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, पूड़ियाँ तली जा रही है लेकिन तेल में। पानी में पूड़ियाँ कैसे तलूं मैं? प्रिया ये मजाक करना बंद कर। अरे कितनी बार समझाया है तुझे कि घर में ऑयली खाना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आयशा के लिए जो खाना है वो सिर्फ 2 चम्मच ऑलिव ऑयल में, और जो मेरा खाना है ना उसे तो दूर से ही तेल दिखा दिया कर, वही काफी है। लेकिन तू मेरा कहना तो मानेगी नहीं। माँ रिलैक्स, ये सब कुछ आयशा के लिए नहीं बनाया, उसके लिए मैंने पहले ही अलग से नाश्ता बना के रख दिया है। अच्छा तो ये तेरे पापा की फरमाइश होगी? वो तो उल्टी सीधी फरमाइशें करते रहते हैं और तू गुणवंती बेटी की तरह उनकी फरमाइशें पूरी करती रहे, पूरा दिन पुराने गाने सुनते रहते हैं। प्रिया अपनी माँ से कह दे बेटा कि उसका पति भी अब पुराना पड़ चुका है, ये सब खाना भी उसके बस की बात नहीं है। हाँ सुन लिया मॉम। अच्छा तो इसका मतलब ये सब तूने अपने लिए? प्रिया मैं कहती हूँ तू अभी भी संभल जा बेटा, वरना तुझसे कोई शादी नहीं करने वाला। माँ प्लीज फॉर अ चेंज कभी तो मेरी शादी के अलावा भी कुछ और सोच लिया करो। जिस दिन तू सोचना शुरू करेगी ना उस दिन मैं सोचना बंद कर दूंगी। इधर तेरा वजन बढ़ता जा रहा है और मेरा बिना डाइटिंग के कम होता जा रहा है। अरे हाँ 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 अरे सांस लेने के लिए जरा देर रुका तो करो।
तुम्हारा बेटा मलेशिया से वापस आ रहा है और ये सब खाना उसी की फरमाइश पे बना है। कार्तिक, कार्तिक आ रहा है, मैं तो भूल ही गई थी। अरे आ नहीं रहा, अब तक तो पहुंच भी चुका होगा, अब तक तो उसकी फ्लाइट लैंड भी कर चुकी होगी। मैं उसे फोन करती हूँ जानू। थैंक यू। हेलो, हाँ कार्तिक बेटा पहुंच गया क्या? हाँ माँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। प्लेन में सब कुछ ठीक था ना? सब पेट भर के खाया ना जो वहां मिलता है? देख मैं ही बोले चली जा रही हूँ। जवाब तो दे कुछ, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा तू। हाँ, आज मैंने तेरी मनपसंद चीजें मैंने बनाई है, मैंने पूड़ी और कचौड़ी असली घी में। अच्छा बेटा, वो जो मैंने तुझे चार पांच चीजें बोली थी लाने को कॉस्मेटिक्स, वो लेके आया कि नहीं? 40 चीजों की लिस्ट दी थी आपने। अरे बेटा, अब चार हो या 40 हो, 0 का ही तो फर्क पड़ता है ना बेटा। हाँ माँ, सब लाया हूँ। आईपॉड वो लेकर आया बेटा कि नहीं? माँ फोन मुझे दो ना। हाँ तो। हाँ कार्तिक। हाय दी। कैसा है तू, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ये बता तू घर कब आ रहा है? दीदी ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करनी है, शाम तक पहुँच जाऊंगा। एक काम करना, 12 बजे कैंटीन से सैंडविच ऑर्डर करना और खा लेना। याद रखेगा कि रिमाइंडर दूँ? नहीं दी, सब याद रहेगा, आप टेंशन मत लो। यू आर द स्वीटेस्ट। ठीक है, जल्दी घर आना। ओके ठीक है दी, बाय। ये कार नंबर आपका है? हाँ जी हाँ, ये मेरा ही है। आपका नाम? सुधीर शर्मा। राणे नोट करो, कल आपके कार का कहीं एक्सीडेंट हुआ था? वो आप कल वाले एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। प्रिया, तूने मुझे कल तो कंप्लेंट करने ही नहीं दी। देख, किसी भले आदमी ने तो कंप्लेंट करी दी ना। मैं उस मोटे आदमी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ देखिए, कल मैं 5 लाख का कंपनसेशन मांग रही थी, आज मैं उससे डबल मांगूंगी। हाँ शिप्रा, आप मेरी बात तो पूरी करने दीजिए ना। हाँ, आप बयान लिखिए, कल एक्सीडेंट हुआ था। देखिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मामा यहाँ आओ जल्दी। अब बेटा आ रही हूँ। उसकी गाल पे पिंपल निकल आया। हमें वहाँ पर जाना है, ऑडिशन के लिए बुलाया अभी इतनी वक्त। और प्रिया बेटा, पुलिस स्टेशन तुम और तुम्हारे पापा चले जाओ, मुझे आयशा के साथ कहीं जाना है बेटा। और हाँ सुन, कंपनसेशन लेना मत भूलना। देखिए, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए। आप लोग चलिए, हम बस अभी आते हैं। और कितना समय लगेगा? पता नहीं मतलब साहब आएंगे तभी तो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन साहब कब आएंगे पता नहीं, इसलिए आप जाकर बैठ जाइए, जब नंबर आएगा बुला लेंगे। हाँ जाइए। थैंक यू। तो गलती उस औरत की थी? जी बिल्कुल, गलती उस औरत की ही थी। एक तो वो रॉन्ग साइड से आई, ऊपर से गाड़ी कंट्रोल में भी नहीं थी, आई और सीधा ठोक दी इनकी गाड़ी पर। साहब, उस औरत की जगह कोई और होता ना तो अपनी गलती मानकर चुपचाप माफी मांगकर निकल लेता, लेकिन साहब उसने सिग्नल पे बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। और वो ही उस गाड़ी वाले साहब से पैसे ऐंठने पर तुली हुई थी, पुलिस की धमकी तक दी उस औरत ने। एक मिनट भाई साहब,
आप लोग क्यों बात को इतना बेवजह बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी माँ और उन गाड़ी वाले भाई साहब के बीच में थोड़ी बहुत बहस हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जो एक्सीडेंट हुआ वो मेरी माँ की नहीं बल्कि इनकी गलती की वजह से हुआ। और भाई साहब आप लोग तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे। मैंने आपको बुलाया क्या? नहीं ना, यही वहाँ पर। लेकिन सर आप मेरी बात प्रिया छोड़ ना, वो तू इधर आ, मेरी बात सुन, इधर आ प्लीज। आ बेटा बैठ इधर, थोड़ा वेट कर लेते हैं, पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा पानी मिल सकता है पीने के लिए? यहाँ कोई सराय नहीं खोली है, बाहर नल लगा हुआ है, वहां जाकर पानी पी सकते हैं जी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। जी बहुत प्यास लगी है। बाद में बोला ना। ये आप कर क्या रहे हैं? आप पापा को पानी पीने क्यों नहीं जाने दे रहे? हाँ क्योंकि कुछ ही देर में साहब यहाँ आने वाले हैं और आप लोग लाइन में सबसे आगे बैठे हुए हैं। साहब आएंगे और आप लोगों के बारे में पूछेंगे। पानी पीने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और इसी 2 मिनट में अगर साहब आ गए तो? आपको नहीं लगता आप बात को बेवजह खींच रहे हैं? पापा एक मिनट, मैं अपने पापा के साथ इस तरह आपको बर्ताव नहीं करने दूंगी। हम पर एक्सीडेंट का चार्ज लगा है, कोई क्रिमिनल्स नहीं है हम। देखिए रूल के मुताबिक। रूल वूल की बात आप तो मत ही कीजिए प्लीज, जिनकी गलती उन्हें यहाँ बिठाकर आप चाय कॉफी पिला रहे हैं, और जो बेगुनाह है उनके साथ कानून भले ही हमने ना पढ़ा हो लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे क्या हक हैं और क्या हक होने चाहिए ये हम जरूर जानते हैं। इतना कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने भी डेफिनेटली पढ़ा है, और इसलिए आप मेरे पापा को पानी पीने से रोककर इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। बड़े साहब आ गए दिख रहा है, चलिए पापा। अगर आप चाहते हैं तो पानी पी के आ सकते हैं, मैं तब तक कुछ फाइलें और निपटा लेता हूँ, जाइए आप। नहीं नहीं हम पानी बाद में पी लेंगे। कहिए। सर छोटी सी बात है, एक्चुअली मेरी माँ और मैं कल गाड़ी से कहीं। गाड़ी के पेपर लाए हैं आप लोग? जी। तो आप एक काम कीजिए, आप कल आइए पेपर के साथ इसी समय, 40-1 मिनट का काम है, हो जाएगा। 40 मिनट सर? मैडम अभी अभी आप हमारे कांस्टेबल को बता रही थी कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कानून की थोड़ी बहुत जानकारी भी आप रखती हैं, फिर तो आपको ये पता होना चाहिए कि बगैर पेपर के हम आपको नहीं छोड़ सकते, और फिर पेपर देखने के बाद ये पता चलेगा कि उसमें केस बनता है या नहीं, ये क्राइम बिलेबल है या नहीं, अरेस्ट होने के बाद आपको जमानत मिलेगी कि नहीं। एक बड़ा आदमी अपना गुस्सा निकालने के लिए आपके जरिए हमें इस तरह से परेशान कर रहा है और। देखिए मैडम आप हमें गलत समझ रही हैं, हमारे नजर में सब बराबर है। तभी तो जिन्होंने हमारी गाड़ी को धक्का दिया, जिनके ड्राइवर की वजह से एक्चुअली ये एक्सीडेंट हुआ, वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग हैं। आप पे कोई दबाव है ही नहीं हमें यहाँ बुलाकर इस तरह परेशान करने का। थैंक यू सो मच सर, चलिए। घर चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो आप कहाँ जा रही है तू? पापा आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, वो जितना नॉर्मल दिख रहा है उतना नॉर्मल है नहीं, जरूर कोई है जो हमें परेशान कर रहा है, जानबूझ के हमारी तकलीफें बढ़ाना चाहता है, और मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। लेकिन प्रिया। पापा आप एक काम करो, आप घर चलो ना, मैं आती हूँ। ध्यान से प्रिया। हाँ पापा। भैया जल्दी चलो जरा उस गाड़ी के पीछे। भैया थोड़ा तेज चलाओ ना। भैया जल्दी करो ना प्लीज। अरे इस गाड़ी से आगे लो ना आप। भैया वो गाड़ी मिस नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे पीछे ही चलो आप। बस 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 यही रोको।
कल मंडे है, मैं चाहता हूँ हर हाल में ये प्रेजेंटेशन कल तक तैयार हो, इसलिए आज रात को हमें सारा काम खत्म करना है। ओके थैंक यू। अरे राम के घर पे हूँ यार, मीटिंग में। आई एम टेलिंग यू यार, राम के घर पे हूँ। फिर मुझ पर शक कर रही हो? हाय डार्लिंग। सुन लिया, अब फ्री होकर फोन करता हूँ राम से। ओके ऑल ओके यूजुअल। ओके तो कहाँ थे? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, नहीं गाता मी नहीं हो सकत, तुम्हें काम वर है। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। सॉरी सर। क्या हो रहा है आज, सबके फोन इतने क्यों बज रहे हैं? तू संडे को सबको काम पे बुलाएगा, फैमिली तो फोन करेगी ना राम। ओह ये बात है, आप सबके घर से फोन आ रहे हैं। इट्स ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। एक काम करिए, आज के लिए यही रुकते हैं, आप लोग सब घर जाइए, वी विल कंटिन्यू टुमारो। अच्छा हुआ तूने सबको छुट्टी दे, मुंह से किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन मनी मन देखो लाखों दुआएं दे रहे होंगे। क्या है ना, तेरा संडे पिछले 20 सालों से जैसा था वैसा ही, काम काम और बस काम। ना तेरा कोई घर पे वेट करने वाला है और ना तेरे को कोई फोन करके बुलाता है। बॉस नेहा तो मुझे डिवोर्स ही दे देगी। लेकिन यार एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरी गलती नहीं है, तू मुझे जानता है, मुझे कहाँ पता रहता है कि कौन सा दिन संडे है और कौन सा दिन मंडे है। हफ्ते के सारे दिन मेरे लिए तो एक जैसे ही होते हैं ना, और फिर ये मेरा फोन मुझे कुछ भी नहीं बताता, ना कभी बजता है ना कोई मेरे लिए कभी कोई आता है। तो हाउ इज इट सर, बाहर आपसे मिलने के लिए कोई लेडी आई है। मुझसे मिलने के लिए? डिटेल्स बताओ ना यार, पता करो कि कौन है और काम क्या है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा ना कि मिलना चाहता हूँ कि नहीं। जाओ। राम सीरियसली यार, अगर तू आज कुछ और भी मांगता ना तो देखो मिल जाता। नो कम टू थिंक ऑफ इट यार, जैसे कोई मिलने आई है। यू नो आई सीरियसली बिलीव, काश तेरे पास भी कोई होता जो तेरे को मीटिंग्स के बीच में फोन कर करके तंग, या फिर जिससे मिलने के लिए तू अपनी मीटिंग्स बराबर ट्रैप करके भागता, या फिर काश ऐसा कोई होता। अरे यार तू वही घिसा पिटा लेक्चर, तेरा काश कभी हकीकत में नहीं बदलने वाला। आई होप वो आज मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरा उस इंसान से मिलना बहुत जरूरी है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।